ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु हमारे लिए ब्रह्मा, गुरु हमारे लिए विष्णु, गुरु हमारे लिए महेश्वर, सृष्टि स्थिति विनाश तीनों का कारण हमारे गुरु है। अगर गुरु के बाद सुनो, गुरु के बात सुनो तो सब कुछ मिल जाता है। और ये मुँह की बात नहीं, आज तक मुझे जो जो चाहिए था मुझे सब मिला है। एंड यू विल नॉट बिलीव, परहैप्स आई एम वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन फील्ड ऑफ म्यूजिक, क्योंकि मेरे गुरुओं ने इतना मुझे दिया, इतना मुझे दिया कि हजम करना ही मुश्किल। हर दिन 12-12, 13-13, 14-14 घंटा भी मैं रियाज किया गुरुओं की जो तालीम है वो हजम करने के लिए, इतना मुश्किल था। मैं बोल रहा था गुरुजी और जोग साहब का प्रोग्राम गोंदलपाड़ा जोट मिल में, वहाँ से हमारा तो शिक्षा शुरू हुआ। फिर मास्टर मशाई मुझे नॉट भैरव, जोग कौंस, माल कौंस, बिहाग, बागेश्वरी, भटियार, फिर भोपाली, सारे अलग अलग ग्रुप के राग, ग्रुप वाइज नहीं, हो सकता पहले यमन हुआ उसके बाद भटियार हुआ, इसके बाद जौनपुरी हुआ, इसके बाद देश हुआ, इसके बाद देशकार भी हुआ, इस तरह चलते रहे। तो जब मेरा उम्र 16-17 साल हुआ तब तक मेरा 40 राग तो हो ही चुका था, 40 राग, और 100% राग में विलंबित नहीं हुआ था, मगर करीब 30-32 राग का विलंबित भी हो गया था। और साथ में कुछ भजन, जैसे वो भजन याद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या अच्छा गाते थे मास्टर मशाई। तो खैर 17 साल जब मेरा उम्र हुआ, मैं जैसा बोल रहा था तब तक कलकत्ता में काफ़ी अच्छा अच्छा गाना सुनने को मिला। कलकत्ता में 2 दफ़े आए थे, श्रीकांत बाकड़े जी को सुना, फिर सुखेंदु गोस्वामी जी को सुना, वो बाद में मुझे थोड़ा सिखाया भी था सुखेंदु बाबू, फिर चिन्मय लहरी जी को सुना, वो भी बाद में मुझे थोड़ा सिखाए थे। तो ऐसा चलता रहा, एक सपना अंदर में आया कि ये तांत चला के, वीविंग मशीन चला के पिताजी और माताजी जो फैमिली चलाते थे, इट वॉज वेरी वेरी हार्ड। तो दिल में एक तमन्ना आया कि किसी तरह बाबा को थोड़ा आराम देना है। कहाँ से आराम दूँ, कोई रियाज ही नहीं है, प्रोग्राम भी नहीं है। हाँ, एक प्रोग्राम हम करते थे श्यामनगर में, वो है माना बाबू का गाना, मानवेंद्र मुखोपाध्याय का गाना, श्यामल मित्र का गाना, लाइट गाना, वो फंक्शन होता था पाड़े पाड़े में, वहाँ जाके गाना पड़ता था, कभी 5 रुपया, कभी 4 पूड़ी और आलू का सब्जी। हाँ, ज़्यादातर रिक्शा का किराया मिल जाता था, रिक्शा का किराया कभी 5 रुपया कभी 2 रुपया मिल जाता था। और हमारे दोस्त थे वो तबला बजाते थे, पहला तबला हमारे पाड़े का एक मेरा दोस्त था छोटा भाई की तरह, उनका नाम है श्री अपूर्व मुखोपाध्याय, डॉक्टर अपूर्व मुखोपाध्याय, बाद में वो बर्धमान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के हेड बने, हेड थे, एंड ही स्टूड 9th इन द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, विच वॉज रियली वर्थ हैविंग, वेरी प्रेस्टिजियस पोजिशन है वो हायर सेकेंडरी में, उस वक्त 9th होना, इट वॉज रियली ए सब्जेक्ट टू बी प्राउड ऑफ।
तो ये प्रोग्राम चलता था 7 मास्टरों से की तालीम। तो 17 साल उम्र में मैं 17.5 साल उम्र में मास्टरों से के साथ मैं गुरुजी के घर आया। वो तब डिक्शन लाइन छोड़ दिए थे गुरुजी। देखिए जो बालीगंज का फ्लैट था उस फ्लैट में वो आए, उसका नाम था हेमछाया। एक बात और भी बोलूं कि उस वक्त हाई राइज बिल्डिंग कलकत्ते में नहीं था। कलकत्ते का सबसे पहला हाई राइज बिल्डिंग था हेमछाया, 10th फ्लोर तक था। गुरुजी 10th फ्लोर में रहते थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस वक्त फ्लैट भी हो सकता है 3-3.5 लाख ऐसा कुछ किराया होगा, कीमत होगा। तो गुरुजी वो फ्लैट लिए थे। बहुत अच्छा हवा चारों तरफ से आता था। घुसते ही एक बड़ा हॉल जहाँ गाना बजाना होता था, क्लास लेते थे गुरुजी। तो वहाँ की फिर हमारा आंखें खोल गया कि कैसे गाना सीखना पड़ता है, क्योंकि मास्टर जी के पास वो गा गा के मुझे सिखाते थे। वो गाते थे, मैं गाता था। ओ मोरी मोरी पिया मिलन के पिया मिलन के। आप गुरुजी बोले देखो भाटियार का तीव्र मध्यम किस किस तरह ले सकते हो। पिया मिलन के, ये तीव्र मध्यम जो भाटियार में लगता है ये मास्टर जी के पास नहीं सीखा। क्योंकि भाटियार का दो मत है, एक तीव्र मध्यम के साथ, एक तीव्र मध्यम छोड़ के। तो तीव्र मध्यम छोड़ के जो भाटियार है वही मैं सीखा था। तो तीव्र मध्यम का प्रयोग जैसे सुना गुरुजी के पास, वो तो गाते नहीं थे, वो हारमोनियम बजा बजा के सिखाते थे। तो हारमोनियम बजा रहे ऐसा अच्छा बजाते थे, वो तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हारमोनियम प्लेयर एंड हारमोनियम माइस्ट्रो थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला नेशनल प्रोग्राम हारमोनियम का गुरुजी का है। ज्ञान प्रकाश घोष प्लेड नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ही प्लेड हारमोनियम सोलो नेशनल प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम में मुझे सीखने को मिला कि कैसे कैसे हारमोनियम में टच होता है। तो मैं नेक्स्ट डे जब क्लास होगा, ये जो हम आपके सामने बात करेंगे, तो हारमोनियम साथ में लेके करेंगे, ताकि हारमोनियम जो है वो किस किस तरह सोचा जाता है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। किस पिच से कौन सा राग बजाना चाहिए, जैसे भैरवी सी और एफ से बजाना चाहिए, खमाज बी फ्लैट से बजाना चाहिए, ऐसे गुरुजी सिखाते थे। मैं हारमोनियम भी उनके पास आखिर दिन तक सीखा। तो गुरुजी के पास जाके देखा कि 52 स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा हॉल, 52 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें मेरा जगह कहाँ होगा, एकदम कोने में सबके पीछे मैं बैठा। और गुरुजी पूछने लगे, हाँ अजय तुम्हें क्या होना छो, तुम्हारा तालीम कानाई के घर में अभी जाते हो? तो मैं बोले नहीं, मास्टर मशीन ने बोला कि आपके पास आने के लिए, तो इसीलिए मैं आया। हाँ ये बहुत अच्छा है, तुमको बहुत अच्छा बनना है। मगर मैं कोने में बैठता था, तो गुरुजी इनके लिए एक भजन चाहिए, उनके लिए एक राग प्रदान चाहिए, उनके लिए केदार की विलंबित बंदिश चाहिए, उनके लिए देशकाल की 3 ताल बंदिश चाहिए। कोई कोई दिन ऐसा होता था कि 16-17-18 गाना वो शागिर्द को देते थे। तो 18 गाना मैं कैसे याद करूं, लिख तो लेता था मगर नोटेशन करने का टाइम नहीं मिलता था। तो मुझे बहुत ही तकलीफ होता था, मैं कैसे गुरुजी के पास सीखूंगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है
कि क्लास में जब नेक्स्ट दिन जाऊंगा सारा सवाल मुझे को पूछ मुझे ही पूछा जाएगा। अजय तुमको मालूम है भटिया उस दिन विलंबित दिया था, बोलो देशकाल का दूर दिया था। हरि हरि नाम रटत मन मेरे, हरि हरि नाम हरि नाम हरि नाम, क्या नोट लगा? सदसा तुम सदसा दम सदसा प सदसा प सा प हरि हरि नाम रटत मन, या को सुमरन पाप कटत घनेर, हरि हरि नाम। तो और हरि नाम बोलो, हरि 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 हरि, बोलो बोलो 5 दफे बोलो, 7 दफे बोलो। सब सीनियर जो हमारे गुरु भाई थे वो बैठे रहते थे, मुझे गुरु जी गवाते थे। बहुत ही शर्म भी आता था, मगर बस एक ही बात बोलूँगा कि ऐसा गुरु नसीब हो तो मिल सकता है। ऐसा गुरु हिंदुस्तान में शायद बहुत ही सौभाग्य हो तो प्राप्त हो सकता है। आई एम ग्रेटफुल टू गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी। नेक्स्ट डे मैं हारमोनियम और कुछ कुछ उनका जो लाइकिंग उस उनका जो सोच था उसके बारे में बात करूंगा। आज यहीं तक, प्रणाम।